Assalamualaikum, welcome to Kookingk के आज हम बना रहे हैं French Beans Pulao. तो चलें देखते हैं हमें किन किन ingredients की ज़रूरत है. दो कप चावलों को मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था. एक कप मैंने यहाँ पर French Beans ली हैं जिन्हें मैंने धोकर दरमियाने साइज़ में काट लिया है. दो अदद दरमियाने साइज़ के आलू को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है. आधी गट्ठी मैंने यहाँ पर पुदीने के पत्ते लिए हैं. एक अदद दरमियाने प्याज को भी मैंने यहाँ पर फाइनली स्लाइस कर लिया है और दो अदद टमाटरों को मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है. यहाँ पर मैंने चार से पाँच लहसुन के जवे लिए हैं और चार ही मैंने अदरक के थिन स्लाइसेस लिए हैं और दो अदद हरी मिर्चों को मैंने यहाँ पर रफली काट लिया है. दो खाने के चम्मच नमक, दो छोटे दालचीनी के टुकड़े, एक खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, एक चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च, दो अदद तेज़पात को मैंने यहाँ छोटे टुकड़ों में काट लिया है, एक अदद बड़ी इलायची, तीन अदद लौंग, एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और दो खाने के चम्मच मैंने यहाँ सफ़ेद सिरका लिया है. और साथ ही हमें चाहिएगा ऑयल. ऑयल मैं यहाँ पर आधा कप यूज़ कर रही हूँ. तो सबसे पहले हम यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार करेंगे. तो यहाँ पर मैंने पेस्ट इनका बना लिया है. इसके बाद हम एक पैन में लेंगे ऑयल. जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, तेज़पात, बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्च और दालचीनी. ऐड करने के बाद इसे आधे मिनट के लिए फ्राई करेंगे. इसके बाद हम इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसे लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरे डेली आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके. तो प्याज यहाँ फ्राई हो चुका है. इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसकी कचाहट अच्छे से दूर हो जाए. अब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे. हमें इसे मैश नहीं करना, हमें इसे इतना भूनना है कि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ. इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, नमक और इन तमाम मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे. 1 से 2 मिनट बाद हम इसके अंदर डाल देंगे कटे हुए आलू. साथ ही हम इसके अंदर कटी हुई फ्रेंच बीन्स ऐड करके इसे मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे. इसे मसाले में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए. 5 मिनट हो चुके हैं. अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करेंगे. साथ ही इसके अंदर पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे. जैसे ही बॉयल आएगा हम इसके अंदर भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे. इसे हल्का सा स्टर करेंगे. अब हम इसे ढककर पानी खुश्क होने तक पकाएंगे. तो पानी यहाँ पर खुश्क अच्छे से हो चुका है. अब हम इसके अंदर डाल देंगे सफ़ेद सिरका. इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे. मिक्स करने के बाद इसे 5 से 10 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे. तो 10 मिनट हो चुके हैं और चावलों में बहुत अच्छे से दम आ चुका है. बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही है. ज़रूर ट्राई कीजिएगा. उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी. तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.